हेलो बच्चों, आज की गणित की क्लास में हम सीखेंगे घटा और ये घटा का निशान है और चित्रों के द्वारा हम घटा करना सीखेंगे। करते हैं इसको। 1 2 3 4 कितने सूरज बने हुए? 4। और ये घटा का निशान यानी कि हमें इन 4 सूरज में से कितने सूरज घटाने हैं? 1 2 3 तीन सूरज हमें घटाने हैं, तो हम इन 3 सूरजों को यहाँ से काटते हुए घटाएंगे। 1 2 3 यानी कि 4 सूरज में से हमने 3 सूरज को घटा दिया, तो कितने सूरज बचे? 1। और हम यहाँ 1 लिख देंगे। सही, अगला सवाल। 1 2 3 4 5 पांच बॉक्स हैं, 5 बॉक्स में से कितने घटाने हमें? 1। 1 घटा देंगे, कितने बचे? 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 सात सितारे हैं, 7 सितारे में से कितने घटाने हमें? 1 2 1 2 अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 5 हम यहाँ 5 लिख देंगे, यानी 7 में से 2 घटाए हमने, 5 बचे। 1 2 3 4 5 6 7 सात पेड़ हैं, 7 में से कितने घटाने हैं? 1 2 3 तीन पेड़ घटाने हैं हमें, हम 3 पेड़ घटा देंगे। 1 2 3 अब कितने बचे हमारे पास? 1 2 3 4 सात में से 3 को घटाया, कितना बचा? 4। 1 2 3 4 5 पांच पतंग है, 5 पतंग में से कितने घटाने हमें? 1। 1 घटा दिया, कितने बचे? 1 2 3 4 1 2 3 4 चार बादल के टुकड़े हैं, इनमें से कितने टुकड़े घटाने हैं? 1 2 3 4 अब हम 4 घटाएंगे। 1 2 3 4 यानी कि 4 में से हमने 4 घटाया, क्या बचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 0। तो बच्चों, मैंने जिस तरीके से इस सवालों को यहाँ हल किया है, ऐसा ही सवाल आपकी वर्कबुक में दिया गया है। आप इन सवाल वीडियो को देखिए और इन सवालों को हल करिए। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।